फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात कर लो किस तरीके से आप अपना जो कार्बन का मोबाइल में कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर यही से बात करने लाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन है तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए एक सिम की जरूरत पड़ेगा जो कि आपके फ़ोन में लगा होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे कस्टमर केयर का उदाहरण लेकर के मैं आपको बताऊँगा कॉल कॉन्फ्रेंस करके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायल पैड पे जाता हूँ, आप चाहे तो यहाँ से कॉन्टैक्ट से या फिर रिसेंट आया गया जो फ़ोन होता है कॉल उससे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 198 एक कस्टमर केयर है नंबर, इसको मैं लगा लेता हूँ, इसी को कॉन्फ्रेंस कॉल करके दिखाऊँगा। तो आप सुन सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉन्फ्रेंस कॉल अभी नहीं हुआ। और इस ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करते ही आपको चाहे तो यहाँ पे इनमें से नंबर डायल कर सकते हैं या फिर खुद से खुद डायल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यही नंबर को डायल कर दिया क्योंकि कंप्यूटर है और इस पर मल्टीपल ऐड किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन दिखेगा तो आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करते ही आपका जो कॉन्फ्रेंस कॉल हो गया है तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यहाँ पे हो चुका है। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।